के व्यूवर्स, आपकी हिम्मत में हाजिर है एक नए डिज़ाइन के साथ क्रोशिए के। तो ये तीन प्लाई ऊन हमने इस्तेमाल की है और ये हमारा है 2 पॉइंट का क्रोशिया, तो ये हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसका नंबर जब वो मिट गया हुआ है, तो ये 3 प्लाई की ऊन है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने लेनी है चेन, वो हमने लेनी है 8+8 इस तरह से लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करते हुए हमने अपने जितने हमें चेन चाहिए वो ले लेने। तो ये मुझे जितने चेन चाहिए थे वो मैंने ले लिए। अब हमने 1 2 3 4 5 5 चेन लेने एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 5 और ये छठे चेन में हमने डबल क्रोशिया बना दी इस तरह से। अब हमने लेनी है 4 चेन, 1 2 3 4 चेन ली और 1 2 3 4 चौथी चेन में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना देना है। और फिर से कोई चेन नहीं लेनी और सेम जगह पे ही हमने इस तरह से ये डबल क्रोशिया बना लेना है। अब हमने यहाँ पे 7 चेन लेनी है, फर्स्ट में और लास्ट में हमने 4-4 चेन लेनी है और सेंटर में हमने 7-7 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 7 चेन ले ली हमने और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 सातवें चेन में हमने इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छ सात सात होगी, फिर से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तो ये यहाँ तक इसी तरह से हमने बनाना है। तो ये लास्ट में हमने 4 चेन लेनी है और नीचे से 1 2 3 4 ये इस तरह से ये सॉरी यहाँ पे हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाने, लास्ट में ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से। ये इस तरह से तो ये एक चेन ली हमने टर्न किया, ये भी व्यूवर्स यहाँ पे भी हमने ट्रिपल क्रोशिया ही ये बनाना है, ये 5 चेन ली और ये ट्रिपल क्रोशिया तो ये यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट भी सिंगल क्रोशिया और अब ये चेन पे हमने लेने 6 डबल क्रोशिया सॉरी सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 अब हमने ये 2 जो लिए थे ना ये इस तरह से हमने स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 और 6 और 1 हमने निचली तरफ से इस तरह से। एक दो तीन चार पाँच और ये 6 एक
दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह। इसमें बारह और स्टार्ट वाले में छः, ये इस तरह से अब बनेगा। फिर से ये जो दो लिए थे तो हमने ये इस तरफ लेफ्ट वाली से हमने स्टार्ट करना बनाना, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, ये इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छः। अब इसमें हमने बारह बनाने हैं। तो अभी बस इसी तरह से हमने लास्ट तक बनाने हैं। तो लास्ट में ये चार चेन ली थी, यहाँ पे छः बनेंगे और ये ऊपर सिंगल क्रोशिया इस तरह से। तो अब हमने पांच चेन, एक दो तीन चार पांच चेन और यहाँ पे फिर से ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से। अब फिर से एक दो तीन चार चेन और ये देखिए ये सेंटर ऑटोमेटिकली हमारे पास है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर से सेम जगह से इस तरह से डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात चेन और फिर से ये सेम जगह से डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से व्यूवर्स ये लास्ट तक हमारा ये जाएगा यहाँ तक। तो ये देखिए ये लास्ट तक फिर से हमने वही पैटर्न बना लिया जो फर्स्ट में रो में बना था। फिर से ये एक चेन और ये सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे सिंगल चेन सिंगल छः डबल क्रोशिए और उसी इसी तरह से ही एक दो तीन चार पाँच और छः, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। यहाँ पे 12। तो व्यूवर्स ये इसी तरह से करते हुए हमने अपना सारा डिज़ाइन जो बनाते चले जाना। तो ये देखिए व्यूवर्स ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक सॉरी काफ़ी ये ना खुला खुला सा डिज़ाइन है और शॉल मफरल के लिए काफ़ी अच्छा है। या आप लोगों ने कोई बॉर्डर बनाना हो तो उसके लिए बेस्ट ये पैटर्न है बॉर्डर वगैरह के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।